जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट तारिक और आप देख रहे हैं YouTube चैनल तारिक कनाडा। तो उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी नाज़रीन, आज मैं एक मज़े का व्लॉग आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं। आज मैं गया था वुडबाइन बीच पे यहां टोरंटो कनाडा में, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के लिए, अपने नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा व्लॉग बना के लाता हूँ। तो आज मैंने ब्यूटीफुल व्लॉग आपके लिए बनाया। तो प्लीज़ जो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाज़रीन, जैसे ही मैं व्लॉग बना रहा था तो वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जो है वो फ्लाई कर रहा था, तो मैंने उसको कैप्चर किया है, आप देख सकते हैं। ही इज गॉन अवे। तो मैं उसको अपने टेलीस्कोप से देख रहा हूँ और बाकी जितने भी मनाजर हैं वो मैं टेलीस्कोप से वो सारे एंजॉय कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आपको पता है कि बीच का माहौल जो है वो आपको पता है ज़रा अजीब सा डिफरेंट होता है, क्योंकि गोरों का कंट्री है। तो इस वजह से मैं एक साइड पे जब कभी भी मैं आऊँ तो मैं एक साइड पे कोने पे चला जाता हूँ, वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर लेता हूँ अकेला बैठ के, और जो अगर व्लॉग बनाऊँ तो व्लॉग बना लेता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा रश में नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है माहौल का। तो नाज़रीन, मेरे पास ये एक रूटर की मिनी टेलीस्कोप है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बड़ा कमाल का है। जैसे बड़ी टेलीस्कोप होती है सेम इसका रिज़ल्ट है, और इट्स आसम। और नाज़रीन, वेदर जो है वो क्लाउडी भी था और सनी भी था, लेकिन साथ बहुत ठंडी हवा चल रही थी, मज़े की थी और बहुत प्यारा मौसम था। आपने अगर आना है तो ज़रूर आएँ, लेकिन मोस्टली जो हमारे देसी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, मोस्टली जो मुस्लिम है बीच पे आने के लिए, क्योंकि आपको पता है गोरों का माहौल, गोरियों का, तो वो ज़रा अजीब सा होता है, उनका अपना एक स्टाइल होता है वहाँ पे बीच पे। जो मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के साथ जाना, फैमिली के साथ जाना। तो नाज़रीन, मैं टेलीस्कोप से ये देख रहा हूँ कि ये तीनों लेडीज़ जो हैं ये किस तरह फिशिंग कर रही हैं। तो नाज़रीन, मैं ये बताना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वहाँ पे गोरों में, जहाँ पे गोरे गोरियाँ बैठे होते हैं, हम वहाँ पे ही जाएं। आप एक साइड पे, एक कॉर्नर पे जा सकते हैं, बहुत अच्छी पीसफुल और क्वाइट प्लेस है, वहाँ पे पार्क है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन ग्रास है, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपना एक अलग सा माहौल बना सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आई रियली लव इट टू वॉक ऑन द बीच एंड टू गेट फ्रेश एयर। और आप देख सकते हैं कि ये डक्स कितने डिसिप्लिन का भी मुजाहरा कर रही हैं और कितना एंजॉय भी कर रही हैं। तो जनाब, ये हैं आपके अपने होस्ट तारिक, अभी फुल एंजॉय कर रहे हैं और कुछ और मनाजर जो हैं वो टेलीस्कोप से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीस्कोप से एंजॉय करना चाह रहे हैं। कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं और कुछ लोग वैसे ही फेरी में एंजॉय करना चाह रहे हैं, जो स्मॉल मिनी फेरी है। Stop.
तो जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है आपने इस व्लॉग को ज़रूर इंजॉय किया होगा। अगर आपने इस व्लॉग को इंजॉय किया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।